फ्रेंड मैं आज इसका एक अच्छा सा मीठा सा खट्टा सा तीखा सा मैं एक चटनी बनाऊंगी जो बहुत ही अच्छा रहेगा फ्रेंड। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं टमाटर और गाजर का चटनी। तो फ्रेंड देखिए हम लोग यहाँ पर टमाटर कट कर चुके हैं छोटे छोटे साइज में, और यहाँ पर एक गाजर भी हम लोग कद्दूकस कर चुके हैं। तो आइए फ्रेंड हम लोग रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी को एंड तक देखिए फ्रेंड, आपको देखने में और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चटनी बनाने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा काजू ले चुकी हूँ, और थोड़ा सा मावट जो मैं छोटा छोटा पीस कर चुकी हूँ, और थोड़ा सा किशमिश। तो आइए हम लोग काजू को जल्दी से फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से। फ्रेंड मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले चुकी हूँ, कढ़ाई में सरसों का तेल ऐड कर दूंगी। अभी हम लोग सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे फ्रेंड। फ्रेंड आपका सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अभी हम लोग काजू को ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम लोग भून लेंगे। फ्रेंड आपका काजू भून चुका है, कलर भी आ चुका है देखिए। ताइए हम लोग काजू को निकाल लेते हैं प्लेट में। हाय फ्रेंड इसी तेल में हम लोग एक सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च तोड़ के। थोड़ा सा हम लोग पाँच फोड़न ऐड करेंगे फ्रेंड। थोड़ा सा हम लोग गोटा जीरा ऐड करेंगे। और फ्रेंड इसे अच्छी तरह से चटकने दीजिए। फ्रेंड ये अच्छी तरह से चटक चुका है, अभी हम लोग ये टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। और हम लोग ये गाजर कद्दूकस किए थे इसको भी ऐड कर देंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम लोग हल्दी ऐड करेंगे फ्रेंड, आपको इतना हल्दी ऐड करना नहीं है, नहीं तो इसका कलर दूसरा हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा हल्दी ऐड करना है ताकि इसका रंग लाल ही रहे। अभी इसे अच्छी तरह से आपको मिक्स कर देना है फ्रेंड। अभी इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर दीजिए। फ्रेंड अभी इसको आपको तब तक भूनना है तब तक आप जब तक आपका टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। फ्रेंड आप इसे बिना ढक्कन लगा के ही आप इसे भूंजिए। तब हम लोग इस टमाटर को भूनने देंगे जब तक ये टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए फ्रेंड टमाटर और गाजर दोनों में पानी रहता है, इसलिए कितना पानी निकल रहा है, इसलिए आप बिना ढक्कन लगा के ये टमाटर भूंजिए। फ्रेंड अभी टमाटर का सीजन, अभी कम दामों में मिल जाता है, इसलिए आप ये टमाटर का चटनी बनाइए ये रेसिपी देख के। हर कोई तो टमाटर का चटनी बनाता है, लेकिन एक बार आप गाजर देख के बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए फ्रेंड। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको चला देंगे। देखिए फ्रेंड आपका सारा पानी, टमाटर गाजर का सारा पानी सोख चुका है और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है। आई फ्रेंड इसमें हम लोग थोड़ा सा कसूरी पत्ता ऐड कर देंगे, आपके पास रहे तो इस चटनी में ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड। अभी इसको और एक बार मिक्स कर देंगे।
फ्रेंड आपका टमाटर और गाजर भी, गाजर का पानी भी सूख चुका है, अच्छी तरह से भूंज भी चुका है। अभी हम लोग इसमें गुड़ ऐड कर देंगे फ्रेंड। गुड़ और चीनी दोनों हम लोग 50-50 ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर गुड़ ले चुकी हूँ फ्रेंड। हम लोग गुड़ थोड़ा सा ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम लोग चीनी ऐड करेंगे फ्रेंड। फ्रेंड आप अपने मीठा अनुसार दे सकते हैं, लेकिन चटनी में ज़्यादा मीठा रहने से ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर चीनी ले चुकी हूँ फ्रेंड। हम चीनी भी ऐड कर देंगे इसमें। अब इसे और एक बार अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर देंगे। फ्रेंड आपको पानी नहीं डालना है थोड़ा भी। तो फ्रेंड ये गुड़ और चीनी मेल्ट होने दीजिए। अभी जो आपका जो ये अमावट था अभी इसमें अभी हम लोग चटनी में डाल देंगे, ऐड कर देंगे फ्रेंड। ताकि आपका अमावट भी सॉफ्ट हो जाए। फ्रेंड हम लोग चीनी और गुड़ दोनों डाले हैं, इसका रंग और चेंज हो जाएगा फ्रेंड। आप देखते रहिए और अच्छा कलर हो जाएगा दिखने में। तो इसको हम लोग चीनी और गुड़ को मेल्ट होने देंगे। तो फ्रेंड आपका चीनी और गुड़ मेल्ट हो चुका है। देखिए इसका कलर और चेंज हो गया है, दूसरा एकदम कलर रेड दिख रहा है फ्रेंड। और हम लोग को रेडी चाहिए। अभी हम लोग एंड में इसमें काजू ऐड कर देंगे फ्रेंड, हम लोग जो भूंजे थे काजू। और हम लोग किशमिश ऐड कर देंगे फ्रेंड। अभी इसको एक बार मिक्स कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड आपका टमाटर गाजी और ड्राई फ्रूट का चटनी बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड अभी हम लोग इस चटनी को ऐसे ही रहने देंगे, ताकि ये पूरा आपको जो ये थोड़ा सा दिख रहा है ना ये पतला पतला, ताकि ये पूरा जम जाए। तो फ्रेंड हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। आप ऐसे पतला भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा ऐसे ही खोल के रख दूंगी, जमने दूंगी। तो देखिए फ्रेंड लगभग 15 से 20 मिनट हो चुका है। देखिए फ्रेंड चटनी भी जम गया है, कितना बढ़िया दिख रहा है फ्रेंड। मैं आपको एक चम्मच से उठा के दिखाती हूँ फ्रेंड कि कैसा बना है। देखिए पूरा जम गया है, देखिए। तो फ्रेंड ये चटनी बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड। आप इसे रोटी, ब्रेड या चावल के साथ जिस किसी भी से खा ले फ्रेंड, जिस किसी से खा ले ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आप इस चटनी को स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रेंड फ्रिज में। ये बहुत ही अच्छा बना है, खाने में लाजवाब लगेगा फ्रेंड। तो आपको ये चटनी का रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। और मेरे को सब्सक्राइब नहीं करते फ्रेंड मेरा वीडियो देख के आपको पसंद आएगा तो ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। तो वो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको ऐसे ही वीडियो देती रहूँगी।
धन्यवाद।